वेलकम टू सिविल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है यील्ड लाइन थ्योरी का पार्ट टू। मतलब पार्ट वन जो वीडियो डाला था उसमें यील्ड लाइन थ्योरी की जो थ्योरी थी उसके प्रिंसिपल थे, उसके कैरेक्टर्स थे, उसके अजम्पशन, बेसिकली जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता था यील्ड लाइन पर उसके बारे में बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यील्ड लाइन थ्योरी का जो न्यूमेरिकल आता है वो किस तरह से आता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, अ स्क्वायर स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन थ्री साइड्स। ये कोई स्क्वायर स्लैब है, ये तीनों साइड से सिंपली सपोर्टेड है और एक साइड से नहीं है। इफ़ द मोमेंट कैपेसिटी आर इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, मोमेंट कैपेसिटी जो है वो दोनों साइड में इक्वल है। कैलकुलेट द कोलैप्स लोड, अपन को कोलैप्स लोड को कैलकुलेट करना है और कुछ चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे द स्लैब इज़ 4x4 meter, लाइक 4x4 meter, एंड मोमेंट बहुत सी बार दे दिया होता है, जैसे इसके अंदर 10 दे रखा है, तो कभी नहीं दिया होता तो वहाँ से एम मान के करते हैं। बेसिकली इसके सॉल्यूशन में करना क्या होता है, डब्ल्यू आई को डब्ल्यू ई के बराबर करना होता है, यानी कि जो इंटरनल वर्क डन हुआ है वो जो होगा इक्वल करना है उसको एक्सटर्नल वर्क डन के। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन बोलता है कि उसे इक्विलिब्रियम वर्क मेथड से सॉल्व करो, या दूसरा वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करो। नॉर्मली अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो वर्चुअल वर्क मेथड पे भी आते हैं। अभी हाल ही में मैंने एमटेक फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर भी यही क्वेश्चन था, बस उसके अंदर जो स्क्वायर स्लैब था वो मेरे हेक्सागोनल स्लैब आया था और वो सारी साइड से सिंपली सपोर्टेड था। थोड़ा सा डिफरेंस था, बस मैंने उसे किया वर्चुअल वर्क मेथड से ही, क्योंकि उसमें कुछ दे नहीं रखा था कि इक्विलिब्रियम से करना है वर्चुअल वर्क मेथड से करना है, तो मैंने उसे वर्चुअल मेथड से कर लिया था। तो बात करते हैं वर्चुअल वर्क मेथड से रिलेटेड कि वर्चुअल वर्क मेथड से ये सॉल्व कैसे, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो वर्चुअल वर्क मेथड, जैसा कि आप जानते हैं, डब्ल्यू आई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि जो इंटरनल वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है। अब जो इंटरनल वर्क डन निकालेंगे उसके अंदर मोमेंट और जो उस टाइप की टर्म है उसके बारे में बात करेंगे, एंड जो डब्ल्यू ई यानी कि जो एक्सटर्नल वर्क होगा उसके अंदर कोलैप्स लोड एंड उसके आसपास की जो टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरनल वर्क डन निकालेंगे डब्ल्यू आई। सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम हमारे पास ये था एंड उससे ये डायग्राम ऐसे बना। ये डायग्राम कैसे बनता है इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यील्ड लाइन थ्योरी जो यील्ड लाइन जो बनती है, यील्ड लाइन का डायग्राम बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये कैसे बनती है, ये बहुत सिंपल है, तो इसका मैं आपको अगले वीडियो में बना दूंगा कि ये किस तरह से बना है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, तो इनको जो हमने एलिमेंट दे दिया, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू एंड एलिमेंट थ्री, बेसिकली एलिमेंट टू एंड एलिमेंट थ्री आज इक्वल, ये थोड़ा अलग है इनसे। तो सबसे पहले निकालते हैं डब्ल्यू आई यानी कि इंटरनल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन निकालने का याद रखिएगा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोमेंट इंटू टोटल रोटेशन इंटू लेंथ। लेंथ हमें पता होती है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, बस टोटल रोटेशन निकालना होता है, वो डायग्राम से निकलता है, एंड मोमेंट एम मान के चलते हैं, अगर दिया हुआ होता है तो आगे जाके हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो अब ये वाला पोर्शन लेते हैं एलिमेंट वन, एलिमेंट वन के लिए ये कोई पोर्शन नहीं है, ट्राइंगल बना हुआ एलिमेंट वन। जब इसको मैं मतलब इसके ऊपर जब लोड लगेगा ऊपर की साइड से तो ये नीचे की तरफ धंसेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। इसकी टोटल लेंथ 4 थी, तो ये और जब लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन कुछ डेल होगा, और डेल डिफ्लेक्शन होने के बाद इस एंगल पर थीटा बना, यहाँ थीटा बना, और दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया 2 थीटा बन गया, और 4 थी, आधा आधा जब होता है तो 2 में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत सिंपल है, आपने किया होगा पहले भी। तो अब इसे शुरू करते हैं एलिमेंट वन के लिए। फॉर्मूला जैसे होता है, मोमेंट, मोमेंट की जगह एम रख दिया, टोटल रोटेशन, टोटल रोटेशन कितने हो गए, यहाँ से टोटल रोटेशन 2 थीटा रख दिया, एंड लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी 4। अब मैं थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा कितना होगा, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, टेन थीटा इजिकल लंब बटा आधार, तो टेन थीटा इजिकल टू लंब डेल एंड बटा आधार 2, डेल बाई 2, तो टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो डेल की वैल्यू निकालने 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो डेल इजिकल टू 2 थीटा, और थीटा इजिकल टू डेल बाई 2, तो इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो एम इंटू 2 इंटू थीटा की जगह डेल बाई 2 इंटू 4, तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आएगी एम डेल 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 डेल एम। ये क्वेश्चन 1 एलिमेंट 1 के लिए। अब एलिमेंट 2 के लिए आता हूँ। अब एलिमेंट 2 जो है यहाँ पे, ये एलिमेंट 1 से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इसको मैं अगर आपको सिंपली तरीके से समझाना चाहूँ तो इसका जो रोटेशन बनेगा कुछ यू बनेगा, ये लाइक 3 साइड बनेगी इसके अंदर, लाइक 1 इज लाइक 1 एंड एक यहाँ बनेगा 2, एंड ये जब एंगल बनेगा नीचे की साइड तो 3, तो मतलब इसमें जो रोटेशन हो जाएंगे वो 3 रोटेशन हो जाएंगे, डिफ्लेक्शन इसमें डेल होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए
इस डायग्राम को आप देखिए, ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। इसको अगर इस वर्जन में निकाला जाए तो लाइक ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ क्या एक ट्राइंगल बन जाता है और ये स्क्वायर बन जाता है, लाइक यहाँ एक और एंगल बनता है, ये वाला पोर्शन ट्राइंगल बन जाता है, ये स्क्वायर बन जाता है। यानी एक ही डायग्राम में दो बार अपने को उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो एलिमेंट टू के लिए मोमेंट इंटू टोटल रोटेशन इंटू लेंथ। तो अब अपने पास मोमेंट तो एम था, लेकिन टोटल रोटेशन क्या हो गया, थ्री थीटा, वहाँ टू थीटा था एलिमेंट वन में, यहाँ थ्री थीटा हो गया इंटू फोर लेंथ थी। थीटा की वैल्यू हमें पता है डेल बाय टू होती है, दोनों को सोल्व करेंगे तो सिक्स एम डेल, क्योंकि एलिमेंट टू जो है बिल्कुल एलिमेंट टू एंड एलिमेंट थ्री इक्वल है। तो जो एलिमेंट टू की वैल्यू आई वही एलिमेंट थ्री की वैल्यू होगी। तो एलिमेंट थ्री की वैल्यू को हम निकालेंगे यहाँ, बिकॉज बॉड डायरेक्शन, जो बॉड डायरेक्शन मोमेंट कैपेसिटी, अगर बॉड डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंट कैपेसिटी वो सेम नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, जो एलिमेंट वन एंड एलिमेंट टू में जो मोमेंट होता है वो चेंज हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो बॉड डायरेक्शन में जो मोमेंट कैपेसिटी इक्वल है, इसलिए अपन ने उसको एम सेम रखा है। अब एलिमेंट थ्री की बात करें तो सेम एज एलिमेंट टू, तो इसकी वैल्यू सिक्स एम डेल आ गया। अब हमारे पास एलिमेंट वन की वैल्यू आ गई, टू की आ गई, एलिमेंट थ्री की वैल्यू आ गई, तो अपन इससे टोटल इंटरनल वर्क डन निकालेंगे। टोटल इंटरनल वर्क डन क्या होगा, एलिमेंट वन प्लस एलिमेंट टू प्लस एलिमेंट थ्री, वैल्यू आती है 16 एम डेल। हमें एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, मल्टीप्लाई कराया तो 160 डेल। तो जो टोटल इंटरनल वर्क डन हुआ वो हुआ 160 डेल। अब हम बात करेंगे पार्ट टू, यानी कि इसका एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू ई। एक्सटर्नल वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है कोलैप्स लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कोलैप्स लोड को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू कोलैप्स लोड पर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, एक्सटर्नल वर्क डन निकालने में काम आएगा। एलिमेंट वन का फॉर्मूला होता है जैसे ये रहा, एलिमेंट वन के लिए फॉर्मूला था, उसमें एरिया निकालना है। जो बेस एलिमेंट वन के अंदर जो ट्रायंगुलर बन रहा है ना, तो ट्रायंगुलर एरिया क्या होता है, एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो वन बाई इंटू फोर इंटू टू, देन कोलैप्स लोड पर एरिया, वो हमने डब्ल्यू माना, यही हमें फाइंड करना है, डब्ल्यू ई फाइंड करना है, इसलिए अपने डब्ल्यू मान लिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू सेंट्रोइड। मतलब ये इसका कोई सेंट्रोइड है और इस पॉइंट सेंट्रोइड से इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि डेल एल बाई थ्री, डेल एल बाई थ्री, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल एल बाई थ्री, ट्रायंगुलर के अंदर डेल बाई थ्री। तो उसको यहाँ पुट किया, वैल्यू आई 4/3 डब्ल्यू यू इंटू डेल, ये एलिमेंट वन के लिए। ऐसे एलिमेंट टू को सोल्व किया, एलिमेंट टू को सोल्व करने के लिए अब एलिमेंट टू के दो पार्ट बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट ट्राइंगल बन रहा है, सेकंड स्क्वायर बन रहा है। तो पहले ट्राइंगल निकाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू डब्ल्यू यू इंटू जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू सेंट्रोइड, तो डेल बाई थ्री आ गया। प्लस अब इसमें स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 22 इंटू डब्ल्यू यू वाई डब्ल्यू यू इंटू, अब जो इसका जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू सेंट्रोइड होगा स्क्वायर का, वो डेल बाई थ्री नहीं होगा, डेल बाई टू होगा। इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 8 WU डेल बाई थ्री, एलिमेंट टू की वैल्यू आ गई। एलिमेंट टू जो है, एलिमेंट थ्री अब निकालेंगे, एलिमेंट थ्री बिल्कुल इज इक्वल लाइक एलिमेंट टू, तो उसको भी मैंने 8 WU डेल थ्री लिख दिया। अब उसके बाद अपन करेंगे जैसे ही अपन ने इंटरनल वर्क डन के लिए किया था, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, जो अपने पास एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री की वैल्यू है उनको टोटल किया है, तो 20/3 डब्ल्यू इंटू डेल आ गया। अब वर्चुअल वर्क डन क्या बोलता है, डब्ल्यू ई इक्वल टू डब्ल्यू आई, तो जो डब्ल्यू ई की वैल्यू आई वो यहाँ रख दिया और डब्ल्यू आई की वैल्यू को यहाँ रख दिया। डब्ल्यू ई की वैल्यू आई थी 160, एम की वैल्यू 10 रखने पर इंटू डेल, डेल से डेल काट दिया और इधर आया 20/3 इंटू डब्ल्यू यू। डब्ल्यू यू अपने को चाहिए तो उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू यू की 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली 12 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है, बट ये आता ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।